और भाई खिचड़ी कैसी लग रही है तुम लोगों को? पसंद तो आ रही है मेरी खिचड़ी? मैं अक्सर राह चलते लोगों को, मुसाफिरों को खाना खिलाता हूँ, समझे? खिचड़ी पसंद आ रही है मेरी तुम्हारी? अरे खिचड़ी पसंद आ रही है मेरी तुम लोगों को? बताओ भाई बताओ, नहीं तो मैं खिचड़ी में सुधार करूँ, कल को भी मुझे और मुसाफिर को खिलाना है। अरे बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, आपका नाम सुना है मैंने, मोदी जी हैं आप ना, आप राह चलते लोगों को बहुत खाना खिलाते हैं, कभी खिचड़ी खिलाते हैं कभी मटर पुलाव खिलाते हैं, समझे? आज की खिचड़ी तुम्हारी बहुत ही बढ़िया है। मेरा नाम अखिलेश है, मैं अक्सर इधर से गुजरता रहता हूँ, मैं तीसरी बार खाना खा रहा हूँ आपके रास्ते का, आप रोज रास्ते पे ऐसी लोगों को खिलाते हैं। अरे भाई अखिलेश तुम मेरी इतनी तारीफ ही मत करो, समझे? ये तो हर किसी का फर्ज होना चाहिए, राह चलते मुसाफिर को खाना खिलाना, समझे? कहाँ पे जा रहे हो तुम? और भाई पीछे तुम जो बैठी हो तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई मैं गुजरात से चला हूँ यूपी जा रहा हूँ। आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं जो राह चलते मुसाफिर को खाना खिला रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अरे पैसे तो थे मेरे पास में लेकिन दूर दूर तक कोई खाना नहीं था, आपने बहुत अच्छा किया जो राह चलते यहाँ पर खाना खिला रहे हैं, आपकी खिचड़ी बहुत बढ़िया है। अगर मैं दोबारा गुजरा तो दोबारा एक बार और खाना खा के जाऊंगा, कभी भी। आप क्या रोज खिलाते हैं, रोज मुसाफिर को खाना खिलाते हैं? वैसे मेरा नाम योगी है, समझे? योगी, हाँ योगी जी, मैं हमेशा ही रोज खाना खिलाता हूँ मुसाफिरों को। अगर दोबारा तुम्हारा आना जाना, कभी सफर करो इधर का, तो एक बार और खा लेना, मुझे खिदमत का मौका देना। अरे अखिलेश ये कौन सा बिजनेस चालू कर दिया तुमने, ये गोबर कहाँ से ला रहे हो दो पालकी पे, ये गोबर कहाँ से ला रहे हो? अरे मोदी जी मैंने गोबर का बिजनेस चालू कर दिया, इधर उधर जो आवारा जानवरों का गोबर पड़ा होता है वो ही बीन के लाता हूँ मैं अपनी पालकी में, और इस गोबर से गोबर गैस बनाता हूँ और उस गैस को बेचता हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस है, फ्री का बिजनेस बिल्कुल। अरे अखिलेश हमें भी पार्टनर रख कर लो अपने गोबर के बिजनेस में। अरे तुम कोई भी बिजनेस करती हो अपने साथी नहीं लगाना चाहती हो, इस गोबर के बिजनेस में मुझे भी साथ में रख लो, बड़ा अच्छा बिजनेस है तुम्हारा, गोबर गैस बनाओगे अब तुम। अरे गोबर गैस से तो बहुत फायदा है। योगी जी मैं तो तुम्हें कभी पार्टनर बनाऊंगा ही नहीं, समझे? मोदी जी कहें तो अभी मैं उन्हें पार्टनर बना लूंगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं बनाऊंगा, इतना समझ लो। अरे अखिलेश मैं गोबर के काम में कभी पार्टनर नहीं होऊंगा, कोई और सा काम करो तो उसमें पार्टनर बन जाऊंगा मैं तुम्हारे, बड़ा मेहनत का काम है, इधर उधर गोबर बीन के लाना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ भैंस ने गोबर करा है कहाँ नहीं करा है, कहाँ गाय ने करा है कहाँ नहीं करा है, जहाँ होता है वहीं से लाना पड़ता है, और गोबर गैस का भी अपना हिसाब है, कभी गैस ज्यादा बन जाती है कभी गैस बनती नहीं है, किसी किसी के भैंस के या गाय के गोबर में गैस ही नहीं होती है, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। अरे मोदी जी पिछली बार तो एक बंदे पर घर के 20 किलो राशन मिला था, अनाज मिला था, लेकिन इस बार तुमने 10 किलो कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया बताओ? मैं तो 20 ही किलो लूंगा, देखो कह देता हूँ मैं तुमसे। अरे अखिलेश कोई मेरे हाथ की बात थोड़ी है, ये तो ऊपर से ही राशन कम हो गया, समझे? ऊपर से कम हो गया, पहले ज्यादा मिलता था अब कम मिलने लगा, इसमें मेरी कोई हाथ की बात नहीं है, आगे फिर ज्यादा मिलने लगेगा, ज्यादा बातें मत करो। अरे मोदी जी जब मिलेगा फिलहाल मुझे दो, और गेहूं मत दो मुझे, चावल दो चावल, पिछली बार भी तुमने मुझे गेहूं दिए थे चावल नहीं दिए थे, इस बार मैं चावल लूंगा। भाई अखिलेश इस बार तो ऊपर से गेहूं ही आए चावल नहीं आया है, समझे? चावल अगली बार आएगा, अगली बार चावल मिलेगा, ठीक है चावल अगली बार ले लेना तुम। अरे योगी जी सही से तोलो तुम्हारा तराजू पीछे की तरफ भाग रहा है, और डालो गेहूं और डालो। अखिलेश ज्यादा बातें मत बनाओ, इधर आओ आके साइन करो यहाँ पे रजिस्टर पे, ठीक है अपना गल्ला लो और जाओ, ज्यादा बातें मत किया करो तुम यहाँ पर, जैसा मिला करो वैसे रख लिया करो, सरकार जो दे रही है उसमें खुश रहा करो, ज्यादा बातें मत किया करो। और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स करें। अरे मोदी जी कहाँ पे छोड़ना है अपनी जगह तो बताओ, पैरों में छाले पड़ गए चलते चलते, तुम रेगिस्तान में बेफालतू में घुमाए जा रहे हो, तुम तो बोले थे पास ही में है गांव जहाँ पे जाना है, 10 किलोमीटर ले आए तुम चलाते चलाते, तुम बोले थे 1 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर के ही पैसे लिए थे हमने, अब हम पैसे बढ़ा देंगे इतना समझ लो, हम ऐसे नहीं चलेंगे। पहली बात तो हमें क्लियर अपनी जगह बताओ, तुम्हें जाना कहाँ पे है? अरे आसमान जहाँ पे मिला हुआ दिख रहा है वहीं पे जाना है। अरे बात करती हो बेफालतू की, कहाँ जाना होगा मुझे? अरे बस थोड़ी दूर रह गया गांव, वहीं पे जाना है, ज्यादा दूर नहीं है, बस और 5 किलोमीटर चलना है तुम्हें। लेकिन मोदी जी तुमने ये बोला था 1 किलोमीटर चलना है, 1 किलोमीटर के हिसाब से हमने पैसे लिए थे। अच्छा मोदी जी ये बताओ ये गाँव छोड़ क्यों रहे हो, क्या बात है?
गांव छोड़ने की वजह तो बताओ। अरे चले रहो अखिलेश, ज्यादा बातें मत करो। तुम क्या कह रहे हो कि 1 किलोमीटर बताया था? अरे बताया था 1 किलोमीटर तो क्या हुआ, तुमने भी तो कहा था बहुत बढ़िया पालकी होगी। ये देखो कुर्सी पे बैठाल के मुझे ले जा रहे हो कुर्सी की पालकी बनाकर, मेरे भी तो पीछे छाले पड़ गए बैठे बैठे। तुम बोले थे मखमल की पालकी होगी, ऐसी मैंने बोला था 1 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर हो गया, तुम भी तो झूठ बोले थे। अरे मैं गांव किसी वजह से छोड़ रहा हूँ, इस गांव में क्या बताऊँ, कोई काम काज बचा ही नहीं, काम करने वाले ज्यादा हैं, काम कम है और काम करने वाले बहुत हैं, बेरोजगारी बहुत बुरी फैली हुई है यहाँ पर, इसीलिए गांव छोड़ के जा रहा हूँ दूसरे गांव में। अरे अखिलेश कैसे खड़े हुए हो हाथ में कन्नी लिए हुए, अरे इस कंक्रीट को सही करो ना, मसाले को ठीक करो, या ऐसी खड़े रहोगे? अरे अब तो लंच भी कर लिया तुमने, सारा काम मुझी को करना पड़ता है, मैं ठेकेदार हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि सारा काम मैं ही करूँ, अब ऐसी खड़े रहोगे? करो काम। और योगी जी तुम्हारी लुंगी अभी तक बंधी नहीं है, कैसे पेट पर हाथ फेर रहे हो, समझे, खा तो लिया अब तुमने। अरे मोदी जी ऐसा ठेकेदार मैंने नहीं देखा, पूरा पूरा दिन काम कराते हो, दोपहर का भी लंच अब तुमने 4 बजे कराया है, अब खाना खाने के बाद आराम से पेट पे हाथ भी नहीं फिराने दोगे क्या तुम? अरे तुम्हारा काम है तुम सबसे पहले लग जाते हो काम पे, करो काम तुम, हम तो टाइम से ही लगेंगे, हम कह दे रहे हैं कल से भाई 12 बजे लंच होगा, क्यों अखिलेश? हाँ योगी जी सही कह रहे हो, ये तो काम करवाते करवाते पस्त कर देंगे बिल्कुल, अरे पूरा पूरा दिन काम करवाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं लंच करने का या आराम करने का, अब देखो खाना खाते ही काम पे लगा दिया। अरे सुबह से 5 किलोमीटर रोड डाल चुके हैं, और कितना डलेगा, अरे काम खत्म करो अब। अखिलेश और योगी जी ज्यादा बातें मत बनाया करो, समझे, पैसा मेरी जेब से जाता है, मैं पैसा देता हूँ काम करने का, जब पैसा दूंगा तो काम करवाऊंगा भी तुमसे, और मुझे भी पैसा मिलता है ऊपर से काम करने का ही मिलता है, काम करो आराम से, अभी ये थोड़ी 2 घंटे हो गए तुम्हें लुंगी बांधते हुए, अभी तुम्हारी लुंगी नहीं बंध पाई है। अरे इतना नहीं समझते हो, कंक्रीट रोड में अगर जो थोड़ा सा टाइम हो जाए तो सीमेंट जमने लगता है, उसे तुरंत संभालना पड़ता है, अगर नहीं संभालोगे सीमेंट वहीं पे सैड हो जाएगा, जम जाएगा। और भाई लोगों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।